वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और हमें थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी भी रखनी है। और यह जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। तो ये भी डेट हम लोगों को ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल को यह वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। दोस्तों हर साल कुछ ना कुछ थीम के साथ मनाया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर थीम के बारे में भी बात करेंगे कौन सा थीम है इस वर्ष का। तो चलिए हम लोग एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उन्हें विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पूरे विश्व में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे विश्व में जितने भी लोग हैं उनका जो हेल्थ है उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, इस चीज़ को लेकर के बढ़ावा देना है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियाँ हैं, आजकल एक से एक बढ़कर की बीमारियाँ हैं जो कि मनुष्यों के लिए मौत का कारण बनती है। तो इन सारे बीमारियों से भी बचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता को फैलाना है। तो इसका उद्देश्य है कि गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए या फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाने का ही उद्देश्य को लेकर के पूरे विश्व में हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो हम लोगों को ये भी जानकारी को ध्यान रखना है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, ये तो आप लोग सुने ही होंगे। तो स्वास्थ्य ही धन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम लोगों का शरीर अगर ठीक रहेगा, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, कामों को कर सकते हैं और हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी कारण से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हम लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं तो हम गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं और हम लोगों का जो जीवन है वह भी आगे बढ़ सकता है और हम लोग लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो हम लोगों को सबसे पहले जो चीज़ें हैं कि वह हम लोगों का अपना स्वास्थ्य को लेकर के है, जो कि अपना शरीर को अच्छा से रखना है और गंभीर बीमारियों से जो है लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपना सोच भी लाना है ताकि हम लोगों का शरीर अच्छा रहे, तो हम लोग अपना जीवन में सफल हो सकें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यह कब से मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब से मनाया जा रहा है। तो यह जो मनाया जा रहा है वह देखते हैं कब है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की नींव जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में रखी थी। तो इस दिवस मनाने की जो नींव थी वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1948 में रखी गई थी, लेकिन 2 साल के बाद यानी कि 1948 के बाद 2 साल के बाद में यह पहली बार मनाया गया 7 अप्रैल 1950 को। तो हम लोगों को जानकारी ध्यान रखना है कि पहली बार जो है वह 1950 यानी कि 1950 को मनाया गया 7 अप्रैल के दिन को। तो यह नींव रखने के 2 साल के बाद रखा गया और तब से लेकर के आज तक यह दिवस हर साल मनाया जा रहा है। तो हम लोगों को जानकारी को ध्यान रखना कि पहली बार जो है 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया और नींव रखा गया था इसका 1948 में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों हर साल कुछ ना कुछ थीम के साथ में मनाया जाता है। जो थीम है वह एग्जामों में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस वर्ष का थीम क्या है। तो चलिए थीम को देखते हैं। तो 2024 यानी कि इस साल का जो थीम है वह है माई हेल्थ माई राइट। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। यह इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये जानकारी को, इस जो लाइन है उसको याद रखना है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार यानी कि माई हेल्थ माई राइट ये है। पिछले वर्ष की थीम की बात करते हैं यानी कि 2023 का थीम जो क्या था, हुआ था हेल्थ फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य। यह था पिछले वर्ष का थीम, लेकिन इस वर्ष का जो थीम है वह हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें यह ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, कि हम अपना स्वास्थ्य को रखेंगे तो यह मेरा अपना अधिकार है, यह मेरा स्वयं का अधिकार है कि अगर मैं स्वस्थ रहूँगा तो मेरा जो अधिकार है, मेरा शरीर के ऊपर में जो अधिकार है वह अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से यह सोच को लेकर के इस विषय को बनाया गया, इस थीम को बनाया गया है। तो माई हेल्थ माई राइट यह इस वर्ष का थीम है। तो दोस्तों हम लोग तो यह जानकारी को भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ में 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है इस चीज़ को भी याद रखना है। और हमें अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए जितना भी हो सके हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहें और अपना जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें। तो जो मैंने बता दिया थीम वह इम्पोर्टेंट है और साथ साथ में जो डेट है वह आप लोग ध्यान रखेंगे।